251 रुपए में घर घर में स्मार्टफोन पहुंचाने का वादा करने वाले रिंगिंग बेल्स कंपनी के एमडी मोहित गोयल सहित तीन लोगों को दिल्ली पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी रेप के एक मामले को रफा दफा करने की आड़ में जबरन वसूली करने के आरोप में हुई है। मोहित इससे पहले ठगी के आरोप में 3 महीने तक जेल में रह चुके हैं। उन्हें 31 मई को ही जमानत मिली थी। दरअसल मोहित पर आरोप है कि उन्होंने दुनिया के सबसे सस्ते फोन की आड़ में लाखों लोगों से ठगी की है। पिछले साल उन्हें गाजियाबाद के इंदिरापुरम से गिरफ्तार किया था, जिस दौरान पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि उन्हें सस्ता फोन बनाने की प्रेरणा मेड से मिली, जिसने कॉल करने के लिए उधार में फोन मांगा था। इसके बाद मोहित ने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि देश में सिर्फ 30 करोड़ लोगों के पास ही स्मार्टफोन है। फिर वो सस्ते मोबाइल फोन बनाने और एक कंपनी खोलने की योजना बनाने लगे। आपको बता दें कि मोहित ने फोन बनाने के लिए समाचार पत्र से भी आइडिया लिया। उन्होंने सस्ते मोबाइल का ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसमें उनकी मदद अमेरिका से टेक्नोक्रेट फिजिक्स की पढ़ाई कर चुके अशोक चड्डा ने की। फोन बनाने के बाद उन्होंने 200 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बनाए और उनसे करीब 60 करोड़ रुपए लिए, और उन पर आरोप है कि उन्होंने इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अपना पैसा नहीं लौटाया। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नव भारत टुडे।